हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा पे। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये इसलिए बताने वाला हूँ गाइस क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, उसमें इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अगर फ्री फायर काफ़ी टाइम से खेल रहे हो तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। तो ये नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मत करना भाई, ये चीज़ हमको पहले से पता थी, तो ये बार बार क्यों, ये क्यों बता रहा है हमको, ये चीज़ तो काफ़ी बेसिक थी है। तो गाइस, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये चीज़ पता नहीं है, ये वीडियो जिनको उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये चीज़ पता नहीं है। तो गाइस, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज को आपको आज कि आप गिल्ड मेंबर के साथ कैसे गेम खेल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ गिल्ड मेंबर के साथ खेलना है और वो कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि गिल्ड का टूर्नामेंट होता है, तो जैसे कि आज टूर्नामेंट डे भी, आज फ्राइडे हमारा और आज हमारा टूर्नामेंट है। तो टूर्नामेंट में गिल्ड मेंबर के साथ खेलने पे आपको ज़्यादा डॉग टैग मिलते हैं, या फिर आप जैसे कि गिल्ड क्वेस्ट आया, डेली गिल्ड क्वेस्ट आया, ये नई चीज़ आई है गिल्ड डेली क्वेस्ट, ठीक है। इसमें गिल्ड के साथ, गिल्ड मेंबर के साथ खेलने पे, कंप्लीट अ गेम विद गिल्ड मेंबर के साथ खेलने पे आपको ये गिल्ड टोकन मिलते हैं, 20 गिल्ड टोकन मिलते हैं। तो उसके लिए आपको गिल्ड मेंबर के साथ खेलना पड़ता है। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ पूछी है मेरे को, कमेंट सेक्शन में पूछी जा रही है, और अभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उसमें भी पूछी जा रही है भाई गिल्ड मेंबर के साथ कैसे खेले। तो ये बेसिक सी चीज़ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको चीज़ पता, आई एम सॉरी, जिनको ये चीज़ पता नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, गिल्ड मेंबर के साथ खेलने के लिए आपको वैसे ही नॉर्मल करना है, जैसे आप सबको इन्वाइट करते हो वैसे गिल्ड मेंबर को भी इन्वाइट करना है, ठीक है। अगर आपको अपने गिल्ड मेंबर के नाम पता है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे मेरे गिल्ड मेंबर का नाम है मेहुल, ठीक है, अब मैं उसको यहाँ से डायरेक्ट इन्वाइट कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये भी आता है, आपको इजी आपके लिए यही रहेगा, सेकंड ऑप्शन ये देखिए, फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर गिल्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप गिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गिल्ड वाले ही सारे मेंबर दिखाएंगे, जो जो गिल्ड के साथ मेंबर, गिल्ड वाले मेंबर है, ठीक है। अब इसमें जो जो सोलो और ऑनलाइन है आप उन सबको रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वो सारे आ जाएंगे, फिर आप सिर्फ गिल्ड मेंबर के साथ खेल सकते हो, ठीक है। और तो जैसे कि आप यहाँ से भेज सकते हो, वो आएंगे तो आ सकते हैं, अगर वो नहीं, अगर आप चाहते हो जो लोग ग्रुप में हैं उनको भी पता चल जाए, उनको भी हम बता दें कि हम उनके साथ खेलना चाहते हैं, जैसे हमारे गुना ग्रुप में है, ठीक है, इनको भी पता चल जाए इनके साथ खेलना चाहते हैं, या आप सबको रिक्वेस्ट है, इतने सारे लोग हैं, रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते हो, सबको एक ही बारे में बताना चाहते हो, तो यहाँ पर ये बटन आता है, देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबसे लास्ट वाला बटन है प्लस का साइन जिस पर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मैसेज चल जाएगा गिल्ड के उसमें। तो जो गिल्ड चैट होती है, यहाँ टीम चैट होती है, गिल्ड चैट होती है, ठीक है, सबसे ऊपर गिल्ड चैट होती है। तो ऑलरेडी अभी हम गिल्ड में हैं तो अभी हमको दिखा नहीं रहा है, एक बार बैक करते हैं, एक सेकंड कॉल आ गया, पोस्ट करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, वीडियो रिज्यूम हो चुकी है। तो गाइस, अभी हमने गिल्ड पे मैसेज भेजा था, देखिए अभी यहाँ पर गिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, या चैट पे गिल्ड का ऑप्शन आता है, इसको सोलो करते हैं, प्लीज़ लो लीव दिस कोड फर्स्ट, ठीक है। अब हमारी ली हो चुकी है, अब हम गिल्ड पे जाएंगे तो जो जो गिल्ड में अभी सोलो हैं उन सबके पास ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है, ये क्लासिक बरमूडा पार्टी इज़ अप, ठीक है, ये हमारे दादा, हमारे गिल्ड मेंबर ने भेजा था। और इसके साइड में गाइस ये ऑप्शन आता है ज्वाइन करने का, ठीक है, ये जो अभी ऑप्शन है अभी चला गया, ठीक है, ये ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, जो जो आपके मेंबर ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा करके दिखाते हैं हम आपको, सॉरी गाइस कॉल आ गया था फिर से। तो अभी गाइस करके दिखाते हैं दोबारा से आपको, यहाँ हमने क्लासिक करा, स्क्वाड करी, ठीक है, अब गिल्ड में हमने मैसेज भेज दिया, यहाँ गिल्ड में मैसेज चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो टीम का दिखा रहे हैं, अब बैक करते हैं, ये गिल्ड दिखाते हैं, ठीक है, अब हमने गिल्ड वैसे मैसेज कैंसिल कर दिया, थोड़ी देर में हट जाएगा, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी टीम को हटा चुके हैं तो टीम डजनों से एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन आप स्क्वाड पर रखिए और अपना गिल्ड का मैसेज भेज दीजिए, और जो जो ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं आपको, ठीक है, और जो आप वैसे सोलो सबको इनवाइट भी कर सकते हैं, ऐसे आप अपने गिल्ड मेंबर के साथ खेल सकते हैं। और जैसे ये आशीष को अभी तक हमने इनवाइट नहीं करा था, वो उस मैसेज से आए हैं, और ये जो हमारे सनी मेकिंग है ये हमारे गिल्ड की रिक्वेस्ट, सोलो रिक्वेस्ट करने पर आए हैं और अब चले गए हैं। तो ऐसे आप गाइस अपने गिल्ड मेंबर के साथ खेल सकते हैं। और चलिए अभी हम आपको हमारे कुछ रिवॉर्ड्स भी आ रखे हैं, वो भी ले लेते हैं, गिल्ड डेली क्वेस्ट आ रखे हैं ये ले लेते, क्लेम कर लेते हैं। और ये अब आ रहा है वायु टाइम मिलियन, इस पर हमारे 5-9 गेम हो चुकी है हमारी, एक गेम और खेलनी है और हमको 10 वाला मिल जाएगा, फिलहाल 5 वाला मिला है, देखते हैं क्या मिलता है हमको क्रिएट करके। तो टाइटेनियम एप्पल नूट किट मिली है, 3 दिन के लिए डिवाइन एक्सप्लोजर मिला, ठीक है, M79 की गन स्किन मिली है। और ये हमारा आज गाइस फेसबुक 10 मिलियन लाइक लॉगिन रिवॉर्ड भी मिल रहा है आज आपको, वेपन रॉयल वाउचर ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमको मिल गया। और क्यूमुलेटिव लॉगिन रिवॉर्ड भी मिल रहा है मेरे को, 30 दिन पूरे हो चुके हैं, इसका भी क्लेम कर लेता हूँ। और ये वॉचिंग एडवर्टाइजमेंट MIS, ये नो ऐड दिए गाइस आज मेरे को इन्होंने अभी तक, और बाकी ऐड मेरे को 5 बजे के बाद मिलेगी, 5 तो ऑलरेडी बच चुके हैं, 5 या 6 बजे के बाद मिलेगी,
या फिर रात को 12 बजे के बाद मिलेगी, तो मैं वही करूँगा। तो गाइस अभी गन स्किन मिली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे बैजेस भी आ चुके हैं गिल्ड टोकन के, और ये हमारे वेपन में ये गन स्किन आई है, दिखाता हूँ दिखाता हूँ दिखाता हूँ, 3 दिन के लिए आई है। तो ये M79 की गन स्किन आई है, इसका रेंज कम है, ठीक है, रेंज -1 है, मैगजीन ज़्यादा हो सकती है अब इसके अंदर, तो इक्विप करते हैं, ठीक है। 2-3 दिन के लिए मिली हमको, और ये सारी चीज़ें हम क्लेम कर चुके हैं इवेंट्स में। और अब मैं आपको गिल्ड टोकन भी दिखाता हूँ गाइस, स्टोर में जाना है, और गाइस स्टोर में भी आप डेली डेली स्पेशल का रिवॉर्ड कलेक्ट कर लीजिए। और ये हमारा डेली स्पेशल का रिवॉर्ड आ चुका है, इसको कलेक्ट कर लिया, स्कैनर मिला है। और स्टोर में भी गाइस आज अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, 38 डायमंड में बंडल मिल रहा है, आप मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और 79 डायमंड पर आपको एक गन ग्रेनेड की स्किन मिल रही है, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेनेड की स्किन मिल रही है आपको 79 डायमंड में, ऐसे फूटेगा ये, तो ये भी ले सकते हैं आप, काफ़ी सही मिल रहा है, 60% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और रिडीम में दिखा देते हैं गाइस गिल्ड टोकन में, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो जैसे आपके पास ये डायमंड रॉयल वाउचर है, हम 2 ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जो हमको पहले 20 टोकन मिले थे उनसे 2 खरीद लेते, अब 40 टोकन बचे हमारे पास, तो इसको आप खरीद सकते हैं गाइस। तो मैक्सिमम आप इसको 5 बार खरीद सकते हैं, और डेली से डेली 5 बार नहीं, मैक्सिमम ही 5 बार। तो ऑलरेडी हम 2 खरीद चुके हैं, एक दिन पहले खरीदा था, अब सिर्फ 3 और खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी यही है, इसको भी मैक्सिमम आई गेस 5 बार ही खरीद सकते हैं, 5 बार आप देखिए ऑलरेडी रीच दी परचेसिंग लिमिट। तो ये डेली की लिमिट नहीं है, पूरी लिमिट है, सिर्फ 5 बार खरीद सकते हैं, उसके बाद आपको अपने गिल्ड टोकन बाकी सारी चीज़ों में यूज़ करने होंगे। तो 50 गिल्ड टोकन आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, 50 इस पर यूज़ कर सकते हैं, 100 गिल्ड टोकन से आप इनको खरीद सकते हैं, उसके बाद आप इनको नहीं खरीद पाएंगे, डायमंड रॉयल वाउचर और वेपन रॉयल वाउचर नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ 5 5 बार ही खरीद सकते हैं इनको। उसके बाद आपको डायमंड वाले आइटम ही खरीदने पड़ेंगे, जो डायमंड के साथ मिल रहे हैं, जिनमें डायमंड भी आपको खर्च करना पड़ेगा गिल्ड टोकन के साथ साथ, तो सिर्फ वो वाले आइटम ही आप खरीद सकते हैं। तो गाइस ये है, अब आप इसको शायद 5 बार खरीद सकते हैं, मेरे को मैं चाहता था अनलिमिटेड बार खरीद सके, तो मैं काफ़ी सारे खरीदता और काफ़ी सारे गिल्ड टोकन होते, रोज़ के 20 गिल्ड टोकन मिलते हैं। तो गाइस आपको गिल्ड टोकन भी इसी से मिलेंगे, और गिल्ड मेंबर के साथ खेलने पर मिलेंगे, और जो गोल्ड डॉग टैग है टूर्नामेंट में, जो डॉग टैग मिलते हैं, पर्सनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा मिलता है अगर गिल्ड मेंबर के साथ खेलते हैं आप, और अगर अकेले खेलते हैं तो भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन गिल्ड मेंबर के साथ खेलते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा डॉग टैग मिल जाते हैं। उसके बाद 215 डॉग टैग चाहिए होता है आपको अपने पर्सनल रिवॉर्ड सारे कलेक्ट करने के लिए, और गिल्ड के सारे रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए गिल्ड के होने चाहिए तो 1800, हमारे 2000 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आज के, तो अब सिर्फ मेरे को पर्सनल कलेक्ट करने, मेरे 46 हैं, तो 215 पर्सनल डॉग टैग चाहिए, तो मेरे को सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, और ये सारे सारे के सारे टूर्नामेंट वाले रिवॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या आप चाहते हो मैं और किसी चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे मेरे को अभी ये गिल्ड मेंबर के साथ कैसे खेलें वो पूछा गया था कमेंट सेक्शन में, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आपको भी कोई डाउट हो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गिल्ड मेंबर पे जाइए, गिल्ड मेंबर को इन्वाइट कीजिए और आप गिल्ड के साथ खेल सकते हैं, या इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपके गिल्ड मेंबर के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। इसके लिए आपको गिल्ड लीडर होने की जरूरत नहीं है, आप गिल्ड के मेंबर भी है तो भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके गाइस, बाय बाय बाय, और कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट वाइट वगैरह रह चुका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।